शरीर से मजबूत रहेगा तू नौकरी दे देगा। राजभवन के पास जेपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है, आप देख सकते हैं कि राज्य भर से यहाँ जेपीएससी के अभ्यर्थी जुटे हैं और आप सबको पता है कि सातवीं जेपीएससी के सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम आया है उसे रद्द करने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से जेपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है। आप कुछ सोचा कि अरे दिमाग वाला आपने तो कल बढ़ा जाएगा, आपने वो सब बोल देगा कि आपको खाली शरीर वाला को बोल दिए, तो बोला कि बच्चे नौकरी करना जरूरी है, एक पहले बोला नियुक्ति वर्ष नियुक्ति वर्ष नियुक्ति वर्ष 2000 नियुक्ति वर्ष 4000 4 लाख पद खाली 5 लाख आप बोलता नौकरी करना जरूरी है। हाँ मालिक जी तो नौकरी करना जरूरी नहीं तब पर मुख्यमंत्री रहना जरूरी है, आपका मुख्यमंत्री रहना जरूरी है। आप ही तो ऐसे इसके पहले बोलते थे कि बच्चा डिप्रेशन में आत्महत्या कर रहा है, तो कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, हम बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय निवेदन कर रहे हैं, छठा जेपीएससी में आप मेरे नेतृत्व किए थे कि गड़बड़ी हुई है, तब आप मेरा नेतृत्व करने के लिए आते थे, यही थी राजभवन में आप मेरा भाषण दिए थे कि छठा जेपीएससी को मैं रद्द करूंगा, दोहरी चरित्र का नहीं चलेगा। आज जो ये सातवां जेपीएससी इतना बड़ी गड़बड़ी कर दिया है उसके बाद भी अगर यदि मौन है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, नौजवान बौखला गया है, अलूल जलूल मार स्टेटमेंट दे रहा है, ये जो है जेपीएससी बोलता है 3 दिन में आप ही बता दे पकड़ा जाएगा हमारे बाल बच्चा हो। हाँ, और हजारीबाग से हमारे बहुत सारे छात्र इस धरना में आए हैं, इसलिए धरना में हजारीबाग के छात्रों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हजारीबाग के छात्र जो भी हमारे धरना पर पहुंचे हुए हैं, देखिए पूरा जो है सब यहाँ पर, हाँ वो सब सारे लोग आएंगे वो पेंशन, इसलिए तमाम छात्रों से अनुरोध कर रहे हैं। हाँ, और हम लोगों को विश्वास दिला रहे हैं ये जबरदस्ती जो नहीं होता है, ये जेपीएससी जबरदस्ती कर रहा है, सोच रहा है देख लेते हैं जबरदस्ती करके पार लेंगे तो पार लेंगे, और उनको मालूम है नहीं कि हम पारने नहीं देंगे। अगर तू शेर है तो सवा शेर है, छठा जेपीएससी को 5 साल झुलाया तो अगर 10 साल झुला देंगे, खेलबाओ नहीं खेले दबाओ खेलबे बिगाड़ दबाओ, हम नहीं खेले तभी तो नहीं खेलबाओ, लेकिन चोरो नहीं खेले तो हम खेलबे बिगाड़ दबो। आज हम लोग यही के संकल्प लेके चले हैं कि हमर ना तो ककरो ना, जो ऐसे ही होगा। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि आप ही जो हम लोगों के सामने में हुआ 23 सितंबर को जो हम लोग हुआ जेपीएससी के पास में सब तमाम मीडिया है, हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हमारे पास में कोई लाठी और क्या कहते डंडा नहीं था, हम लोग जेपीएससी हम लोग कलम के सिपाही हैं, हम कलम लेकर के जा रहे थे, लेकिन उसमें भी हम लोगों पर लाठी चार्ज किया कर दिया गया है। अगर यदि हम लोग भी जो है लाठी लेकर के आ जाते तो वो रणभूमि बन जाता, लेकिन अगर एक सामने वाला पागल है यदि हम भी वैसा ही व्यवहार करेंगे तो लगेगा कि हम लोग भी पागल हैं। हम उसमें हिंसा में कभी भी विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा देश सभ्य हो चुका है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे में जो है कभी भी हिंसा की नहीं, मुझे भगवान ने दिमाग दिया है, हम दिमाग का प्रयोग करेंगे, हम लाठी और हिंसा का प्रयोग क्यों करेंगे। लेकिन आप बाध्य मत करिए, कोई भी व्यक्ति उग्रवादी या आतंकवादी बाध्य होकर के बन जाता है, आप जो है ज्यादा नंबर वाले को आप वह फेल किए हुए हैं और कम नंबर वाले को पास करिएगा तो वो यदि बनेगा डीएसपी और वीडियो तो हम बोल रहे हैं ना, उसको घुसा दीजिए जंगल में, हमरे हम अकेले रहेंगे, वो सब साफ पता चला थोड़े देर में रिवॉल्वर हमारे पास में रख देगा, मनोज भैया प्रणाम प्रणाम करवा देंगे। अगर तेज बच्चा रहेगा और अगर बाहर रहेगा
और जो कम नंबर लाने वाला पास रहेगा, या तो जैसे तैसे जो लगातार नंबर पास किया है उन लोगों का अगर यदि पास कर दीजिएगा, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उस डिजर्विंग कैंडिडेट को आप बाहर कर दीजिएगा। आप इसको पूछते हैं कि बोलिए लगातार रोल नंबर कैसे पास कर गया, तो बोलता है कि ये संजोग है। हम बोले संजोग तोरे लगोल, और संजोग लगा था तो आप अपना परिवार में संजोग कहां लगाए, हम ही लोग पर संजोग लगाने के लिए आए थे। ऐसा 70 साल में देश जब से आजाद हुआ है, यहाँ पर जितने भी कमीशन हुए हैं पूरे भारत में, यूपीएससी है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, आप बता दीजिए कोई 70 साल में किसी भी कमीशन में इस प्रकार का संजोग बना है। ये तो जैसे नहीं बोलते हैं कि शादी में 36 वो कौन जोग बनता है, 36 का जोग नहीं, ये सब 36 का जोग बन गया, और 36 का गुण मैंने महागुण मिल गया। आप बताइए कि ये एक सेंटर में अगर यदि होता तो हम लोग संजोग मानते, ये कई सेंटरों पर हुआ और उसको भी ये संजोग मान रहे हैं, इससे बड़ा दुर्जोग नहीं हो सकता है। ये संजोग नहीं है, ये सेटिंग गेटिंग है। आपको मैं बता देता हूं कि ये संजोग नहीं हो सकता है। संजोग एक होगा, संजोग कभी एक बार हो सकता है, किसी एक सेंटर पर होगा, लेकिन लगातार इस प्रकार से होगा तो ये संजोग नहीं दुर्जोग है। आप झारखंड को कहां धकेलना चाहते हैं? इसलिए मैं तमाम जो भी मुख्यमंत्री हैं और जो भी सुन रहे हैं, महामहिम आप इसको न्याय करिए और देखिए कि इस संजोग कैसन होता है सो, और बुलाइए और हम लोग को छात्र प्रतिनिधि से बहस करवाइए, दोनों में डिबेट होगा, और अगर इसका संजोग कैसे लगा और मेरा रोल नंबर का संजोग कहा नहीं लगा। एक लड़का का जब हम लोगों ने दिया कि 230 वाला कैसे पास कर गया, उससे ज्यादा वाला कहे फेल कर गया, तो जानते हैं उसको ईमेल भेजा, और ईमेल में आप तमाम मीडिया सुनिए, ईमेल के माध्यम से पूछा जा रहा है उस लड़का को कि तुम अपना ओएमआर सीट लेकर के आओ। आप ही बताइए, जब वो परीक्षा दिया तो ओएमआर सीट आपके पास होगा ना, तो आप उसको क्यों मांग रहे हैं? इसका मतलब आपके पास ओएमआर सीट नहीं था। आप ईमेल से उसको ओएमआर सीट लेके तो उस लड़के को बुला रहे हैं कि तुम ओएमआर सीट लेके, हम फाड़ के फेंक दिए, तुम्हारे पास ओएमआर सीट है ना, हमने परीक्षा दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि ये ओएमआर सीट इनके पास नहीं था। ये लोग रोल नंबर को जैसे तैसे इन लोगों को पास किया गया, ये अपना ओएमआर सीट को, इसको ओएमआर सीट जो परीक्षा दिया था परीक्षा से पास नहीं किया है, ये लोगों को उठा उठा करके पास कर दिया गया है। अगर यदि हम बोल रहे हैं कि हम लोगों ने जब मांग किया कि आप जितने लड़के हैं उन लोगों का नंबर जारी करो, जैसा कि बिहार जारी करता है, तो इनको नंबर जारी करने में क्या दिक्कत हुआ? कट ऑफ मांगे कि परीक्षा जैसे ही रिजल्ट निकलता है उसी समय कट ऑफ जारी होता है, लेकिन हमको कट ऑफ के लिए 30 दिन तक लड़ना पड़ा, उसके बाद यानी वो कट ऑफ को मैनेज किए, इतना दिन तक कट ऑफ को सेटिंग गेटिंग करके कितना कट ऑफ रखे ताकि ये जो लोग हमको गड़बड़ी नहीं पकड़ पाए, जबकि कट ऑफ जिसी दिन रिजल्ट जारी होता है उसी दिन कट ऑफ जारी होता है। तमाम मीडिया के लोग, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, उस बात को समझते हैं। दोस्तों हम बार बार बोल रहे हैं, इस सरकार को छात्रों से कोई मतलब नहीं है। छात्र जो है सोचता है इसे अपने माए बाप के कमैनी पर जिंदा रहता है, इन लोगों का अपना अस्तित्व नहीं है, इसीलिए जो है इन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हम बता रहे हैं कि हम लोगों को भी अब सरकार को डराना पड़ेगा। इनको खाली लगता है कि वृद्धा पेंशन दे देंगे और वह इंदिरा आवास दे देंगे, और इसमें क्या कहते हैं सबका लाल कार्ड बना दे पीला कार्ड, मैंने हमरो भी लाल कार्ड और पीला कार्ड में नाम, हमको जुर्माने पढ़ने लिखने का जरूरत नहीं, लाल पीला कार्ड आप अपना कर लीजिए और बनवाने के लिए वो तुरंत राजी हो जाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि ये लड़ाई जारी रहेगी। किसान आंदोलन सबको बोलता था कि किसान आंदोलन देखिए क्या हो गया, साल भर से लगा हुआ, साल भर से लगा हुआ, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, लेकिन अंततः अगर यदि केंद्र की सरकार को मानना पड़ा और किसान लोग, बूढ़ा लोग,
सरकार को केंद्र सरकार झुका दिया, तो क्या हम लोग नौजवान राज्य की सरकार को नहीं झुका सकते? झुकेगा, राज्य की सरकार को नहीं झुका सकते? हे भगवान, ए राज्य की सरकार झुकेगी और निश्चित रूप से जो है सो झुकेगी और हम लोगों को न्याय मिलेगा और हम लोग सब कोई, हम ये नहीं कहते सबको पास करो, हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं जो योग्य है उसको जरूर पास करो, जो नंबर लाया है उसको पास करो। लेकिन ये लोग जो है, हाँ ये लोग जो है हम लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम किया जा रहा है, जब भी मांगते हैं तो कोई सटीक जवाब नहीं दिया जा रहा है, ना ही जेपीएससी और मुख्यमंत्री महोदय को पिछला बार आंदोलन में बहुत दिखाई पड़ता था और अभी तक वो मुंह नहीं खोले हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप मौन नहीं रहिए, आप मुंह खोलिए। झारखंड के बच्चे लाठी खा रहे हैं सड़क पर और आप चुपचाप बैठे हैं, तो कहीं न कहीं आपका भी इसमें जो है सो संलिप्तता को छात्र के मन में शंका होने लगेगा। आखिर हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहा, हमारा मुख्यमंत्री हमारे सामने क्यों नहीं बोल रहा, हम पर लाठीचार्ज हुआ हमारे पर क्यों नहीं इसका मुंह खोल रहे हैं? इसलिए अनुरोध है कि आप मुंह खोलिए और तमाम छात्रों को जो सही है जेपीएससी को रद्द करते हुए दूसरी परीक्षा अंतर जिला, जो अभी ब्लॉक लेवल पर जो जहीं पढ़ा था वहीं पर हाई स्कूल में सेंटर हो गया, आप जो है अंतर जिला सेंटर बनाइए, रांची को जमशेदपुर, जमशेदपुर को हजारीबाग, हजारीबाग को डाल्टनगंज, इस प्रकार से भेजिए ताकि सेटिंग गेटिंग नहीं हो और निष्पक्ष परीक्षा कराते हुए आप रिजल्ट निकालिए। कोई जो है सो उंगली उठाने का काम नहीं करेगा, आप युवा मुख्यमंत्री हैं और युवाओं के बारे में सभी युवा आपको मुख्यमंत्री बना में बहुत भारी भूमिका निभाए थे और लड़ झगड़ करके घर में आपका प्रचार किए थे और आगे बढ़ाने का काम किए थे। इसलिए आप नौजवानों की बात को सुनते हुए इस परीक्षा को रद्द करिए और अंतर जिला कराते हुए स्वच्छ परीक्षा लेते हुए सातवीं से दसवीं जेपीएससी का आप रिजल्ट निकालिए। महामहिम से हम लोग ये भी अनुरोध करने के लिए आए हैं। धन्यवाद। रुके, 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 रुके। Important point, point. I have proof. हाँ, proof है। क्या नाम है? अरे हम अभी वाटर्स के नाम से करेंगे। हाँ? वाटर्स, वाटर, वाटर में एस, वाटर्स। ये वर्चुअल नेम है। अच्छा, हाँ, दे दीजिए। एक मिनट, इम्पोर्टेंट चीज है। एक क्या ये बाबू बता रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए। ठीक है, हाँ हेलो, हाँ परिचय दे दीजिए। कुछ हम प्रूफ देना चाहेंगे जो कि जो घटनाएं हुआ था जेपीएससी के माध्यम में, जेपीएससी का जो, तो ये आप देख सकते हैं कि रांची के राजभवन के पास जेपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सैकड़ों की संख्या में छात्र यहाँ पर जुटे हैं, सबके हाथों में पोस्टर बैनर है जिस पर सेवेंथ जेपीएससी रद्द करो और या संयोग नहीं या प्रयोग है, पहला पॉइंट क्या है, क्या नारा है, पॉइंट क्या है, क्वेश्चन। इधर आइए ना जी, हाँ ठीक है, भाई सुनो यार, पहला प्रूफ दे रहे हैं, अनसील्ड पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, अनसील्ड मतलब समझ रहे हैं ना, पेपर फटा हुआ था और वो दिया गया और ये कई सेंटर में दिया गया है, ठीक है, एक सेंटर में नहीं दिया गया, कई सेंटर में ये अनसील्ड, मास्क खोलिए तब बोलिए, नहीं कर सकते हैं, इंटरव्यू देना है, ठीक है, अच्छा ठीक है, इंटरव्यू देना इसका मतलब था, इनकी गोपनीयता है इसलिए मास्क नहीं खोलना चाहिए, मास्क नहीं खोलना, ठीक है, तो प्रूफ क्या है कि अनसील्ड पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और ये कई सेंटर में हुआ, बट एक सेंटर का मेरे पास ना बहुत तगड़ा प्रूफ है, एक वहां पे इसके पीछे मैं स्टोरी बता रहा हूँ, उसके बाद फिर नाम बतलाऊंगा स्कूल का नाम, ठीक है, एक महिला थी, जब वो अपने कक्षा में देखी कि उनका पेपर फटा हुआ है और वो बांटा जा रहा है, तो वो कई ज्यादा बहुत ज्यादा विरोध की, राइट, सबको की, अगल बगल में भी सब टीचर्स को ऐलान करने की कोशिश की, पर क्या हुआ ना कि उसके टीचर थे जो इन्विजिलेटर थे वो भी उनको सपोर्ट नहीं किए, वो क्या बोले, ठीक है आपको लगता है कि अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हैं नहीं कर सकते हैं, तो क्या हुआ ना कि अगर आपको कैंसिल करवाना है तो आप